नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो की चर्चा का जो विषय है वो क्लास ट्वेल्थ का अंग्रेजी विषय का जो प्रश्न पत्र है वो है जनरल इंग्लिश का प्रश्न पत्र है, कक्षा ट्वेल्थ का है, 2020 का है। इसमें जो ग्रामर और जो क्वेश्चन आए थे उन पर हम चर्चा करेंगे, वन बाय वन चर्चा करेंगे। तो आइए बिना विलंब किए हम पहले चलते हैं। फर्स्ट सेक्शन में सेक्शन ए है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर आधारित सेक्शन है। इसमें ये पैसेज है, इसको पूरा पढ़ना है। वैसे हमने इसे पढ़ लिया है और उसी के आधार पर हम आपको बताएंगे कि इसमें जो लास्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर क्या है। तो आइए, पहला क्वेश्चन था व्हाट वॉज द डिज़ायर ऑफ द आर्टिस्ट, तो इसका आंसर होगा टू पेंट हिज पिक्चर। दूसरा क्वेश्चन है बी लॉर्ड कृष्णा टेस्टेड द पेंटर बिकॉज ही वॉज इगोस्टिक एंड एरोगेंट, इसका सेकेंड आंसर है। उसके बाद में द पेंटर ब्रॉट ए फिनिश्ड पेंटिंग ऑफ लॉर्ड कृष्णा कवर्ड विथ वाइट क्लॉथ, इसका राइट आंसर है। उसके बाद में हु हेल्प्ड द पेंटर एंड पेंट द पिक्चर ऑफ लॉर्ड कृष्णा, तो सेज नारद, इसका राइट आंसर है। उसके बाद में है ई हाउ मच टाइम डिड द पेंटर वॉन्ट टू गेट रेडी फॉर द पिक्चर, तो इसका आंसर है 1 वीक। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट सिमिलर टू द वर्ड प्राउड, तो इसका आंसर होगा ईगो, क्योंकि प्राउड मीन्स क्या है घमंड और ईगो मीन्स भी घमंड। उसके बाद में हम चलते हैं जी वाला सेक्शन है, जी क्वेश्चन नंबर फाइंड द अपोजिट वर्ड ऑफ चेयरिंग, तो डिसअपॉइंटिंग इसका राइट आंसर है। वर्ब फॉर्म द वर्ड डिवोशन दैट इज डिवोट, राइट आंसर है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है व्हाट डिड द सेज नारद टेल द आर्टिस्ट, तो देखिए यहाँ डिड लगा हुआ है इसलिए इसका आंसर हम इसी क्वेश्चन से चालू करेंगे। नारद टेल को क्या कर देंगे टोल्ड द आर्टिस्ट, ये आर्टिस्ट मीन्स हिम, यहाँ पे हम इसके लिए उपयोग कर सकते हैं कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही का हिम हो जाएगा, यदि आर्टिस्ट के लिए ही लेते हैं तो हिम हो जाएगा। तो देखिए नारद टोल्ड हिम से हम स्टार्ट कर सकते हैं, नारद टोल्ड हिम या नारद टोल्ड द आर्टिस्ट, तो ये सेक्शन आपको पैराग्राफ के अंदर मिल जाएगा। तो देखिए मैं दिखाता हूँ कहाँ मिलता है, तो इस तरह से यहाँ पर नारद टोल्ड हिम दैट ही वॉज सिली टू अटेम्प्ट टू पेंट द पिक्चर ऑफ लॉर्ड कृष्णा, इसका यहाँ तक आंसर होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ द गिवन पैसेज, तो देखिए इसमें हम यहाँ पर द कंक्लूजन से स्टार्ट करेंगे। द कंक्लूजन ऑफ द पैसेज इज दैट, द कंक्लूजन ऑफ द पैसेज द गिवन पैसेज इज दैट के बाद हम लिख सकते हैं क्वेश्चन से द कंक्लूजन ऑफ द गिवन पैसेज इज दैट वन के नॉट इमेजाइन गॉड टू बी ए पर्टिकुलर फॉर्म। उसके बाद अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, तो इसमें क्या है ये नोट मेकिंग पर आधारित क्वेश्चन था, तो इसमें साथ में उसके एब्रिवेशंस लिखना है, इसमें टाइटल लिखना है। तो देखिए इस पूरे पैराग्राफ की यदि हम बात करें तो इसमें टाइटल इसका जो होगा वो होगा टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, इसका जो एप्रोप्रिएट जो टाइटल होगा। उसके बाद में इसी में सेकंड क्वेश्चन है राइट द समरी ऑफ द पैसेज, तो इसमें समरी लिखने के लिए कहा गया है, तो समरी क्या है इसकी, इसका 1/3 इसमें पार्ट करना होता है, जो मेन पॉइंट्स इसके हैं उनको आपको इंक्लूड करके लिखना है। इसका सेक्शन बी है, इसमें पहला क्वेश्चन है आप एक एक्सपोर्ट मैनेजर है कंपनी के और आपको अकाउंटेंट की ज़रूरत है मुंबई और बेंगलोर में, तो आपको एक एडवर्टाइजमेंट निकालना है जिसमें जो अकाउंटेंट के लिए 20,000 की सैलरी पर मंथ है और विथ फ्री एकोमोडेशन का भी उसमें जिक्र करना है। उसी के बाद में
आपको इसमें एक पोस्टर डिज़ाइन करना है, पोस्टर डिज़ाइन करना है, और किसकी तरफ से करना है, दिल्ली पुलिस की तरफ से करना है। इसमें लिखा बिहाफ ऑफ द पुलिस, दिल्ली पुलिस, और किस बात के लिए, लोगों को अवेयर करना है अननोन आर्टिकल्स के बारे में जो कहीं पड़े रहते हैं, उनके बारे में आपको इंटीमेशन देना है, उसके संबंध में ये पोस्टर है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे देखिए मैं पढ़ देता हूँ। राइट ए लेटर, राइट ए न्यूज़पेपर रिपोर्ट टू बी पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर गिविंग डिटेल्स अकाउंट द इनाग्रेशन सेरेमनी ऑफ द एनुअल फंक्शन हेल्ड इन योर स्कूल फॉलोइंग डिटेल्स। मतलब आपको क्या है, एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट तैयार करना है, और जो कुछ इनपुट्स दिए गए हैं उनके आधार पर, डिटेल्स हैं उनके आधार पर आपको ये तैयार करना है। इनपुट्स क्या है, ये दिए हैं नेम ऑफ द इवेंट, ओकेशन, डेट, टाइम, प्लेस, इस तरह से दिए गए हैं। इनके आधार पर आपको एक रिपोर्ट डिजाइन करना है न्यूज़पेपर के लिए। उसके बाद में अगला पार्ट इसी का आ रहा है, आर वाला क्वेश्चन आ रहा है। आपको इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करना है, जिसमें जो 150 से 200 शब्दों में होना चाहिए, और जिसमें कुछ इनपुट्स दिए गए हैं, वो इनपुट्स कहाँ दिए गए हैं, यहाँ दिए गए हैं। इनपुट्स के आधार पर आपको एक रिपोर्ट तैयार करना है इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लेक फैसिलिटीज ऑफ मेल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो सुविधाओं के अभाव के संबंध में जो कमियां हैं, उनके लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को आप एक एप्लीकेशन लिखना है, लेटर लिखना है। उसी के साथ में यहाँ पे एक एप्लीकेशन लिखना है, और वो बुक बैंक के संदर्भ में है, और आप गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सिवनी को ये लिखना है। चलिए आगे चलते हैं। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड एडवाइजिंग ही हिम टू स्टडी इंग्लिश, मैथ्स, जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग फॉर कॉम्पिटिशन एग्जाम। अपने मित्र को कॉम्पिटिशन एग्जाम में इंग्लिश, मैथ्स, जनरल नॉलेज और रीजनिंग के बारे में तैयारी करें प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, इसके संबंध में एक लेटर लिखना है। उसके बाद सेकेंड जो पार्ट है उसमें लिखा गया है आर क्वेश्चन में, यू आर मनीष शुक्ला, आप मनीष शुक्ला है, और आपको अपने मित्र विवेक को एक बधाई पत्र लिखना है उसकी ब्रिलियंट सक्सेस पर। और उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ इन शेपिंग पर्सनालिटी ऑफ स्टूडेंट्स। तो जनरली ये क्वेश्चन लोग कम अटेंड करते हैं, इसके आर में ऐसे दिया गया है, तो ऐसे आप लोगों ने तैयार किया ही होगा, स्पेशली साइंस इन द सर्विस ऑफ मैन। उसके बाद में सेक्शन सी जो आता है वो ग्रामर सेक्शन है। तो पहला है आयरन इज़ यूजफुल मेटल। यूजफुल इसका जो प्रोनंसिएशन है वो वेल से है, इसलिए यहाँ पर ए यूज होगा। ही हैज़ हार्डली मनी, तो हार्डली अपने आप में नेगेटिव सेंस देता है, और नेगेटिव सेंस की स्थिति में हम एनी का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर एनी फिलअप करना होगा। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आ रहा है, आई एम यूज टू इनक्यूज, तो इसमें जो होगा वो यूज टू के बाद में जनरली जो फर्स्ट फॉर्म आता है टू वेट, तो यहाँ टू वेट सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, ही इज़ गुड इंग्लिश, तो यहाँ पर क्या है, ही इज़ गुड एट इंग्लिश, इसमें एट का यूज होगा कि गुड के साथ एट लगता है। उसके बाद में कॉटन इज़ इन इजिप्ट, तो यदि यहाँ इसके सेंस को देखा जाए तो ये पैसिव फॉर्म में है, और पैसिव फॉर्म में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, इसलिए यहाँ पे ग्रोन यूज करना होगा। कॉटन इज़ ग्रोन इन इजिप्ट, तो यहाँ पे ग्रोन सही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू इज डायरेक्टेड एनी फाइव, तो आपको पहला दिया गया है री अरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको मीनिंगफुल सेंटेंस
उनसे बनाना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क है। इट मीन्स जो आपको सेंटेंस बनाना है वो क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत होती है डब्ल्यू एच वर्ड से। तो हम डब्ल्यू एच वर्ड सर्च करते हैं, तो इसमें हाउ कद मैनी, मैंने इसे पॉइंट आउट कर दी है, नंबरिंग कर दिया गया है। तो हाउ मैनी पेजेस आर देयर इन दिस बुक, ये सिस्टमेटिक ऑर्डर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है इज पुअर टू पेज फीस, तो इसको करना पड़ेगा, किस तरह से करना पड़ेगा। ही सो पुअर, क्या लिखेंगे, टू के स्थान पे सो, मैं लिख देता हूँ, आप इसे देखें। ये होगा ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फी, इस तरह से बनेगा। अगला सेंटेंस है सूरज शट द डोर, इसको नेगेटिव बनाना है, और नेगेटिव बनाने के लिए यहाँ पर आपको शट जो है इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। शट जो है ये पास्ट का है, यदि प्रेजेंट होता तो सूरज के साथ एस वर्ब में एस या एस लगा होता, लेकिन शट के तीनों फॉर्म सेम होते हैं, लेकिन हमें फिर भी ये आइडेंटिफाई करना पड़ रहा है कि किस टेंस का है, तो ये पास्ट का है। पास्ट का पता कैसे चलता है, शट के साथ एस नहीं आया है इसलिए। तो ये पास्ट का, और पास्ट का नेगेटिव बनाने के लिए सूरज, उसके बाद में डिड, उसके बाद नॉट, शट द डोर आगे आपको लिखना है, इसका नेगेटिव होगा। उसी के अगले क्रम में चलते हैं सी वॉच मूवी फॉर टू आवर्स, इसमें फॉर टू आवर्स है, जनरली सिंस और फॉर का यूज होता है परफेक्ट कंटिन्यूस में। अब जनरली यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का, तो सी के साथ क्या लगता है, हैज़ बीन, तो सी हैज़ बीन, और वर्ब में क्या करेंगे, वॉचिंग, तो सी हैज़ बीन, वॉच के स्थान पर क्या लिखना है, सी हैज़ बीन वॉचिंग मूवी फॉर टू आवर्स, यहाँ पर सही होगा। उसके बाद चलते हैं आई एम बाइंग मैंगोज, इसका क्या करना है, चेंज द वॉइस, तो शुरुआत क्या करेंगे, कहाँ से करेंगे, देखिए बता देता हूँ मैं इसको, मैंगोज क्या लिखेंगे, मैंगोज मैंगोज, और मैंगोज प्लूरल है, तो मैंगोज आर बीइंग बॉट बाय मी, आई इसलिए मी हो जाएगा, तो इसका पूरा होगा मैंगोज आर बीइंग बॉट बाय मी, राइट होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर, ही सोस मनी सो दैट ही मे बाय कार, तो देखिए ही सोस मनी, और यहाँ पर सो दैट से लाकर मैं तक हम हटा देंगे, और इसके स्थान ले देंगे ही सोस मनी टू बाय ए कार, इस इतने स्थान पर हम क्या ला देंगे, टू, तो ही सोस मनी टू बाय ए कार, क्योंकि सो दैट के द्वारा यहाँ उद्देश्य को देखा जा रहा है। ये यदि देखा जाए तो सो दैट फिलहाल जो है ये एड्रो क्लाज ऑफ पर्पस है, और एड्रो क्लाज ऑफ पर्पस को हम नॉन फाइनाइट क्लाज में बदलेंगे, तो सो दैट ही मैं को हम टू में कन्वर्ट कर देंगे, तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा ही सेव्स मनी टू बाय ए कार। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर, ही विल लिव एज सुन एज द टैक्सी अराइव्स, अब इसको यदि करना है तो इसमें क्या करना है, नो सुनर देन का प्रयोग करना है, तो सबसे पहले नो सुनर कहाँ लगाते हैं, एज सुन एज के स्थान पर, तो उसी वाक्य को पहले लिखेंगे जिसमें एज सुन एज लगा है, और उससे पहले नो सुनर लगाएंगे, तो नो सुनर यहाँ लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे इस टेंस में आने वाली हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब पता कैसे करेंगे, ये एस लगा हुआ, इस एस से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट का है, तो नो सुनर, उसके बाद डज, और उसका द टैक्सी अराइव, एस नहीं लगाएंगे, अराइव, उसके बाद देन ही विल लिव, सॉरी वी विल लिव, ये होगा। फिर से मैं बोल देता हूँ, पूरा सेंटेंस बोल देता हूँ क्या बनेगा, नो सुनर डज
द टैक्सी अराइव देन वी विल लीव, ये इसका राइट होगा। उसके बाद चलते हैं कुछ सेक्शन डी है, सेक्शन डी है टेक्स्ट बुक पर आधारित है, तो इसमें क्या क्या आंसर्स आना है मैं बिना स्टेंजा को पढ़े हुए सीधे आपको आंसर की ओर चलता हूँ। तो व्हाट इज द सेम मीनिंग ऑफ द वर्ड साउट, साउट उन्हें चिल्लाना उसका होता है क्राई, इसका सिनोनिम होता है, सेम मीनिंग वाला वर्ड होता है। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड सोरेस्ट, सोरेस्ट ने खट्टा, खट्टे से खट्टा, सबसे खट्टा, उसका स्वीटेस्ट होगा। उसके बाद गिव द एंड द नेम ऑफ द पोयम, तो ये शायद आपने पढ़ा होगा पोस्ट टेक्स्ट बुक का है, इसका आप आंसर स्वयं लिखेंगे या मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर, हु इज़ आई इन द दीज लाइन्स, इस इन लाइनों में आई वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है, किसके लिए हैं, तो ये आई वर्ड जो है स्पेशली यहाँ पर फॉरेस्ट के लिए हैं, फॉरेस्ट का यहाँ पर जिक्र है इसमें। और द अपोजिट ऑफ द वर्ड फ्री, फ्री का अपोजिट क्या होता है, फ्री का अपोजिट फ्री यानी स्वतंत्र, और उसका कैप्टिव यानी बंदी, यहाँ पर इसका राइट मीनिंग है। और इसी तरह से गिव द नेम ऑफ द पोएट, इस जो स्टेंजा है ये आपकी टेक्स्ट बुक की पोयम है, उसके उस पोएट कौन है उसका नाम आपको यहाँ लिखना है। और इसके बाद दो दो नंबर के 11वें प्रश्न में दो दो नंबर के आपको दो प्रश्न अटेम्प्ट करना थे, और इस तरह से चार नंबर के हैं। और जनरली ये क्वेश्चन वही आते हैं जो पिछले 5 सालों में आपने देखे होंगे, जो प्रश्न हैं वो रिपीट होते हैं, और इसमें 7 प्रश्न आपको अटेंड करना है, दो दो नंबर के हैं, और जो आपको बेहतर लगे अपने समझ के आधार पर वो आपको उसमें से आपको 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन से ये है जो 13वां और 14वां इस प्रकार से हैं। 14वें में 4 प्रश्न आपको अटेंड करने हैं, दो दो नंबर के, कुल 8 नंबर के, और एक समरी आई है यहाँ पर, समराइज करने के लिए आया है, समराइज द पोएम ऑफ वी आर द फ्यूचर इन अबाउट 80 वर्ड्स, और समराइज द पोएम साम ऑफ लाइफ इन 80 वर्ड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, एंड वी एक्सपेक्ट यू विल लाइक अवर वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।